क्रांति जो कदर ऐसे कराऊं तुमको, आओ भक्तो श्री वृंदावन घुमाऊं तुमको, आओ भक्तो श्री वृंदावन घुमाऊं। लीला वृंदा विपिन की तीन लोक ते न्यारी। अब भगवान मोहनी बनकर गए, देवताओं ने जब त्रायमाम किया, बोले महाराज हमारा अमृत ले गए, तो सब देवता पुकार रहे थे, तो दैत्यों के पास से अमृत को लाने के लिए भगवान ने मोहनी रूप बनाया और मोहनी रूप धारण करके मेरे प्रभु गए। इतना सुंदर रूप मेरे प्रभु ने बनाया, सोचिए कितने सुंदर बनकर गए होंगे। जिनके हाथ में अमृत कलश है, जिन देवताओं के दैत्यों के हाथ में अमृत है, वो अमृत पीना भूलकर उस सुंदर स्त्री की तरफ देखने लगे जिनका नाम मोहनी है। सोचिए, आपकी कल्पना से परे है ये बात कि दैत्य इस तरीके से मोहित हो गई। ये भी कल्पना हो, उनके विचार बन सकते थे पहले अमृत पी लो फिर दे देवी कहां जा रही है, पर नहीं, सब भूल गए अमृत पीना, देवी की तरफ सब देखने लगे। और जब देवी की तरफ देखने लगे तो देवी भी मुस्कुराने लगी और चाल भी उनकी बदल गई। बड़ी सुंदर, मन को मोह लेने वाली चाल चलते हुए भगवान उस समय मोहनी के रूप में अपने दैत्यों के समीप गए और दैत्यों ने घूर घूर के देख रहे थे। कोई सब लोग दैत्य सोच रहे थे हमसे शादी कर लें। सब वहाँ अपने आप को दिखा रहे थे, मैं ज्यादा बलवान हूं, और थोड़ा होता है ना इम्प्रेस करने के लिए। भगवान ने बड़ी मधुर वाणी में पूछा, आपस में आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? उनकी वाणी इतनी मीठी थी कि कुछ पूछो ही ना। देवी जी तो वैसे ही बहुत मीठा बोलती हैं, देवियों की वाणी सुनने को मिल जाए वो भी मिठास वाली। दो प्रकार की हैं, कभी कभी ये काली देवी भी बन जाती हैं, तो वो एक अलग हिसाब किताब हो जाता है। फिर तो हाथ में खप्पर और तलवार ही होती है इनके में, वो कटु वाणी जो है भगवान किसी को सुनने को न मिले। इनकी दूसरी वाणी बड़ी सुंदर है, वो बच्चों के लिए माँ बन जाती है, बाप के लिए बेटी की वो वाणी बड़ी सुंदर है। बाकी का सब ठीक है। तो भगवान बड़ी मधुर वाणी में बोले, आप आपस में लड़ क्यों रहे हो? तो उनकी इस मधुर वाणी को सुनकर सभी दैत्य कहने लगे, हमारे हाथ में अमृत कलश है और अब इस बात पे लड़ाई हो रही है कि अमृत पहले कौन पिएगा। अरे बोले एक एक करके पी लो। बोले समस्या तो यह है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, पहले किसने पिया, पहले कौन पिएगा। अरे ये भी कोई बात हुई, पीना तो सभी को है, एक एक करके सब पी लो। एक जन बोला, देवी जी आप ही पिला दीजिए। भगवान को और विश्वास जमाना था, भगवान ने एक बात और कही, तुम हमसे कह रहे हो कि हमको पिला दो, पर एक बात बताएं, देवियों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी देवी को वो बात मत बताना जो तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। ये सबसे कह रहा हूं जितने भी हस्बैंड यहां बैठे हैं, ऐसी कोई बात देवी को मत बता देना जिससे तुम्हें लगता हो कि अगर ये बात समाज में फैल गई तो मेरा तो हो गया बट्टा डार। अब आप कहेंगे क्यों महाराज? देवियों की एक समस्या है, इनके मन में कोई बात है। जी माताएं बताएं, बोलिए। बहुत साफ होती हैं और कभी कभी एक्स्ट्रा साफ हो जाती हैं, और इनकी इतनी शार्पनेस इतनी अच्छी होती है कई बार कि ये पति की समस्या प्रॉब्लम समस्याओं को और बढ़ा देती है। खैर यहाँ की ऐसी नहीं है, यहाँ तो बहुत अच्छी है। मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ जो यहाँ आई हैं, मैं तो उनसे कह रहा हूँ जो यहाँ नहीं आई हुई हैं अभी। आप लोग ऐसी नहीं हो, आप तो बहुत बहुत बढ़िया हो, देवी हो एकदम। माइक ले लो, आप ही कह लो कथा। हाँ
राधे राधे बोलना पड़ेगा। सच यह है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही सब कुछ बताती हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं बताती, और बेस्ट फ्रेंड चीटिंग करती है इनके साथ में, वो फिर सबको बता देती है और वही पति के लिए समस्या खड़ी कर देती है। खैर आजकल की ऐसी नहीं है, आजकल उस सांप को भी पचा गई हैं देवी, कोई भी बात बता दो छिपा लेती हैं, बहुत अच्छी हैं। पर भगवान इसलिए नहीं कह रहे थे कि भरोसा नहीं करना चाहिए, भगवान इसलिए कह रहे थे जिससे मैं अगर अपने अगेंस्ट बोलूंगी या बोलूंगा तभी तो इनका विश्वास मुझ पे होगा, इनका भरोसा मुझ पे होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि कभी देवियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनने के लिए यूट्यूब में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ ठाकुर_ जी फॉलो करें।